दोस्तों, मैं संदेश अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है डार्विनवाद का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डार्विनिज्म, अर्थात भूगोल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। डार्विनिज्म तो हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे इसको। तो आइए देखें कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। हम लोग हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट में ऑलरेडी एंशियंट क्लासिकल पीरियड खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने डार्क एज, रेनेसा पीरियड और कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जियोग्राफर्स वाले अध्याय को भी समझ लिया अच्छे से। तो इस प्रकार से एंशियंट क्लासिकल पीरियड और उसके बाद एंशियंट और मॉडर्न के बीच वाला पीरियड, जो डार्क एज और अरब जियोग्राफर और रेनेसा पीरियड वाला फेज है, वो हम लोग दो चीजें तो कर चुके हैं। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं मॉडर्न क्लासिकल पीरियड में, जहां हम लोगों को बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ने होते हैं, जैसे रशियन स्कूल ऑफ थॉट, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, और जो नए नए चीजें आ रही हैं भूगोल में, वो सारी चीजें हमको वहां पे जाननी होती हैं। जैसे पैराडाइम का कॉन्सेप्ट आया, बहुत सारी चीजें अभी आगे हमें मिलेंगी मॉडर्न क्लासिकल पीरियड में। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डार्विनिज्म। चाहते तो हम इस टॉपिक को बीच में भी कहीं ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर यहां पर इस टॉपिक को हम समझ लेंगे डार्विनवाद का प्रभाव, तो आगे अभी इसके पश्चात जब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद जिसे हम इन्वायरमेंटलिज्म कहते हैं, उसके पश्चात संभववाद, फिर आएगा नव नियतिवाद और फिर आएगा प्रसंभाव्यवाद। क्योंकि नियतिवाद के ही विरोध में संभववाद आया, फिर इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए नवनियतिवाद आया और फिर प्रसंभाव्यवाद आया। तो नियतिवाद सबसे पहला है और उसी का आगमन हुआ और उसी के फलस्वरूप बाकी सारे विचारधाराएं आई, और नियतिवाद का जो आगमन हुआ वो हुआ इस डार्विनिज्म के कारण। तो नियतिवाद को पढ़ने से पहले आइए एक बार हम देख लेते हैं कि डार्विनवाद ने ऐसा क्या प्रभाव डाला कि नियतिवाद जैसी विचारधारा का आगमन हुआ। और हमारे यूजीसी के सिलेबस में भी अलग से इस टॉपिक को रखा गया है कि इम्पैक्ट ऑफ डार्विनिज्म। जनरली हम डिटर्मिनिज्म में ही से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अगर गहराई से इसे समझना है तो इसे एक अलग चैप्टर के रूप में देखना होगा कि डार्विनवाद का क्या इम्पैक्ट रहा है, जो कि हमारे सिलेबस में भी शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपके सामने लिखा दिख रहा है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, और इसमें जो इन्होंने बातें बताई हैं उसी को हम जनरली नाम दे देते हैं डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म तो एक पूरा का पूरा उनकी विचारधारा है, और वो विचारधारा या कह सकते हैं वो बातें इन्होंने जिस बुक में बताई हैं, वो बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जरूर हम सब ने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, और जो हमारे ऑथर हैं डार्विन महोदय, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के थे। ये पब्लिश्ड कब हुई? 24 नवंबर 1859 में, और पेज 502, 502 पेज की जनरल, मुझे लगा कि थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी हम दे दें। 502 पेज की पुस्तक है, 1859 24 नवंबर को पब्लिश हुई, यूके के ये निवासी थे, और बुक हमारी इंग्लिश में है ये, और बुक का टाइटल है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत ही फेमस बुक है। इस मैटर पर आने से पहले एक चीज हम और क्लियर कर दें कि ये जो लिखा है पब्लिश्ड 1859, जनरली कोई बुक का पब्लिश हुई है, हो सकता है इसका आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना नजर आए, लेकिन जहां तक सवाल है इस बुक का, तो इस बुक के संदर्भ में ये जो 1859 का टाइम पीरियड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है, उसको अगर हम छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में बताएं, 1859 में हम्बोल्ट महोदय की मृत्यु होती है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और 1859 में ही कार्ल रिटर की भी मृत्यु होती है, जिन्हें हम दोनों को मानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। और जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो बड़े जियोग्राफर चले गए। इसके पश्चात उसी समय, उसी साल 1859 में दोनों की मृत्यु हुई, और 1859 में ही बुक आ गई डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इस बुक ने ऐसा प्रभाव जमाया अपना
कि उसने आगे चल के नियतिवाद की विचारधारा को जन्म दिया। तो उसको तो अभी हम खैर आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इस बुक ने रेट्जल महोदय को इतना प्रभावित कर दिया। आपके लिए समझने वाली चीज यह महत्वपूर्ण है कि 1859 का जो ये टाइम पीरियड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक छोटा सा शॉर्ट में बनाया हुआ है। 1859 में तीन बड़ी घटनाएं घटित हुई। हम्बोल्ट रिटर की मृत्यु हो गई, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ, और जब इनकी मृत्यु होने से इंड ऑफ रोमांटिक और क्लासिकल पीरियड। जो हम्बोल्ट रिटर का काल है उसे हम क्लासिकल पीरियड का नाम देते हैं। 1800 से 1859 तक का, जिसमें उन्होंने वो अपने पीक पर थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया, उस काल को हम क्लासिकल पीरियड की संज्ञा देते हैं। और जब हम पैराडाइम पढ़ते हैं तो उसे हम रोमांटिक पीरियड कहते हैं। उसे हम रोमांटिक एनालिटिकल पीरियड, छायावादी विश्लेषणात्मक उपागम का नाम देते हैं। और हो सकता है ये चीजें अभी उतनी क्लियर ना हो पा रही हो क्योंकि ये पैराडाइम से रिलेटेड है, लेकिन आप अपने समझने के लिए इतना समझें, जब हम लोग पैराडाइम पढ़ेंगे तो भी इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन 1859 में जब ये बुक पब्लिश हुई तो उसी सन में हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु हो गई। तो हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु होने से एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया। जिन विचारधाराओं को लेके ये लोग चल रहे थे वो समाप्त हो गई। और उसी समय जब इतनी बड़ी ये बुक आ जाती है तो इस बुक ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। बस आप इतना समझें इस वक्त। फिर जब हम लोग पैराडाइम पढ़ेंगे तो भी ये चीजें आएंगी, तो वहां और ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना समझने वाली चीज है कि 1859 में हम्बोल्ट रिटर की मृत्यु होने से और इस युग की समाप्ति होने से, क्लासिकल पीरियड की समाप्ति होने से और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन होने से भूगोल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एक तो दो बहुत बड़े भूगोलवेत्ता दुनिया से चले गए और इतनी बड़ी बुक पब्लिश हो गई और इस बुक ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, तो लोगों की विचारधारा बदलने लगी। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो कुछ बेसिक चीजें थी। 1859 के इंपॉर्टेंस को जानने के बाद आइए अब हम देखें कि इन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य समझना इसका भूगोल में क्या योगदान है। बस उतना ही हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की ये बात करते हैं। जब कभी भी अगर आपने डार्विनिज्म पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये बात करते हैं कि जो भी हमारी प्रजाति जो संघर्ष में बची रह जाएगी वही आगे बढ़ेगी, बाकी सब की सब जो भी हैं वो नष्ट हो जाएंगी। नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, अर्थात प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति खुद ही चयन करती है कि किस प्रकार की प्रजाति को आगे रखना है और किसे नष्ट करना है। और वही फिर जीवन संघर्ष वाली बात भी वही आ गई कि जो संघर्ष में बचे रह जाते हैं वही आगे जा पाते हैं, जो नहीं रह पाते उनकी समाप्ति हो जाती है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके इस पूरे कॉन्सेप्ट में, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और नेचुरल सेलेक्शन। मतलब कि जो हमारे जीवधारी हैं उनको यहाँ रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और जो हमारी प्रकृति है वो उनका चयन करने का कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इनके इस इन दो कॉन्सेप्ट को देखें तो जो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं नेचर है या प्रकृति को इम्पोर्टेंस देने का कार्य इन्होंने किया है, और इसी से आगे चल के हमारे जो नियतिवाद वाली विचारधारा है, जब ये अभी हम आगे दूसरे चैप्टर में वहां अध्ययन करेंगे डीपली कि डिटर्मिनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, तो डिटर्मिनिज्म पर वहां तो हम डीपली बात करेंगे। बट अगर एक लाइन में अगर जानना चाहें कि डिटर्मिनिज्म की विचारधारा क्या कहती है, तो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहने का प्रयास करता है कि जो हमारी प्रकृति है वह सर्वशक्तिमान है, और जो हमारा नेचर है और मनुष्य केवल एक प्रकार का सेवक के रूप में अपनी भूमिका वहां निभाता है। आगे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं, जैसे कि अगर एलिफेंट 750 वर्ष जीवित रह जाए तो ये 1,90,00,000 उनकी संख्या हो जाएगी,
और अगर रैबिट है या ग्रीन फ्लाई है, सिंगी मछली है, पैरामीशियम इत्यादि, ऐसे उन्हें बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में बताया कि ये इनकी जो मृत्यु हो रही है ये सारी चीजें प्रकृति खुद डिसाइड कर रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मनुष्य को खुद ही रहने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिला के अगर हम एक शॉर्ट में समझना चाहें कि इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि प्रकृति कहीं ना कहीं, प्रकृति के पास ही वह सुप्रीम पावर है, नेचर के पास एक सुप्रीम पावर है, प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य केवल उसका सेवक है, मनुष्य को स्ट्रगल करना पड़ रहा है और प्रकृति के पास पूरी की पूरी शक्ति है, मनुष्य एक सेवक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको इन्होंने डायरेक्टली चीजें तो नहीं कही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों में, इनकी जो भी थॉट्स अभी हमने देखे उनमें इसकी एक झलक तो नजर आ रही है, जहां पर प्रकृति को इम्पोर्टेंस देने का कार्य इन्होंने किया है। इस पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ इस यहाँ से आपको छोटा शॉर्ट नोट अगर लिखना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। मित्रों, हम लोगों ने काफी अभी अच्छे से डार्विन के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया और उनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में क्या क्या इन्होंने बातें बताई हैं और किस प्रकार से प्रकृति को इम्पोर्टेंस दिया है, प्रकृति को सर्वशक्तिमान बताने का प्रयास किया है, वो हमने देखा। और 1859 का क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हम लोगों ने आज जान लिया, भूगोल के संदर्भ में क्या इसका इम्पोर्टेंस है। और आगे चल के जब इनकी ये विचारधारा आ गई तो हमारे एक जर्मन जियोग्राफर हैं, फ्रेडरिक रैडजल महोदय, ग्रेट जर्मन जियोग्राफर, एक महान जर्मन भूगोलवेत्ता इन्हें माना जाता है। और जब अभी हम जर्मन स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो इनकी बहुत सारी हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी राजनीतिक भूगोल, बहुत ही फेमस बुक थी, और बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। एक इनकी बुक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो हम लोग डीपली इन पे बात करेंगे वहाँ पे। ये माने जाते हैं कि इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था नियतिवाद का। जो हमारी नियतिवाद की विचारधारा है उसके ये जनक माने जाते हैं रेडजल महोदय। और नियतिवाद की विचारधारा क्या कहती है, नियतिवाद की विचारधारा यह कहती है कि मनुष्य प्रकृति का सेवक है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति ही सब कुछ संचालित करती है, मनुष्य प्रकृति की बराबरी नहीं कर सकता, मनुष्य अभी नीचे है। ठीक, और इस बात को जो इन्होंने बातें बताई हैं अपने इस कॉन्सेप्ट में, ये चीजें कहीं ना कहीं इन्होंने ली हैं डार्विनिज्म से। तो इसीलिए हम लोग का एक टॉपिक है जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा, इम्पैक्ट ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनवाद का प्रभाव। अगर हम एक साथ पढ़ लेते नियतिवाद वाले चैप्टर में इसको, तो हो सकता है उतनी अच्छे से, उतनी गहराई से इसका अध्ययन हम ना कर पाते, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने काफी सही से, काफी विस्तृत तरीके से डार्विनवाद को देखा कि उसका क्या योगदान है। हमको डार्विनिज्म के बारे में इतना ही जानना है, डार्विनिज्म के बारे में बहुत ज्यादा डीपली, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, डार्विनवाद, लैमार्कवाद। लेकिन यहाँ पर भूगोल पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो अगर हम सारांश, अगर एक मैं रिवीजन के तौर पे आपको बताऊं तो भूगोल पर उसका प्रभाव सिर्फ इतना यह पड़ा कि इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा ये कि प्रकृति को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। हालांकि पहले लोग प्रकृति को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, लेकिन वो चीज लोगों के मन में भय तो था, लोग किसी भी, जो भी हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं इत्यादि को लोग उनसे डर जाते थे, उसका कारण नहीं जानते थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्थानों पर प्रकृति को पूजते थे, पूजा करते थे प्रकृति की, नेचर के प्रति लोगों के मन में डर तो था, लेकिन ये सारी चीजें जो लोगों के मन में थी वो एक विचारधारा का रूप नहीं ले पाई थी अभी, वो सिर्फ उनके मन में थी, लेकिन इस चीज को एक विचारधारा के रूप में बनाने का काम किया फ्रेडरिक रेडजल महोदय ने।
और उनके इस कॉन्सेप्ट को कहा गया नियतिवाद। इसे पर्यावरणवाद भी कहते हैं और इसे इन्वायरमेंटलिज्म भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर्यावरणवाद लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये नियतिवाद की बात हो रही है। और ये सारी चीज़ें, इनको इनको कह सकते हैं प्रेरणा कहाँ से मिली, तो रेडजल महोदय को जो प्रेरणा मिली वो डार्विन से और डार्विन के डार्विनिज्म से। और ये सारी की सारी बातें कहाँ बताई गई थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में। और इसी से आपकी विचारधारा जन्म लेती है, नियतिवाद की विचारधारा। और अगर नियतिवाद की विचारधारा ना आई होती तो पॉसिबिलिज्म ना आया होता, संभववाद ना आया होता। नियतिवाद संभववाद दोनों ना आए होते तो नव नियतिवाद की विचारधारा का जन्म ना हुआ होता, और फिर बाद में प्रसंभाव्यवाद, OHK स्पेड की संकल्पना, उसका प्रादुर्भाव ना हो पाया होता। तो कहीं ना कहीं नियतिवाद के आने से संभववाद आया, उसके पश्चात नव नियतिवाद आया और फिर प्रसंभाव्यवाद आया। तो ये सारी की सारी एक चीजें कड़ी के रूप में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। और इन सब के पीछे, इन सबसे पहले अगर कोई चीज आई तो वह है डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर डार्विनिज्म ना आता तो डिटर्मिनिज्म ना आता, और डिटर्मिनिज्म ना आता तो उसके बाद के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना आ पाते। तो इसीलिए डार्विनिज्म का इतना इंपॉर्टेंस है, और इसको हम एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ डार्विनिज्म भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान है इसका।